ऐसी स्थिति आती है कि बस निराश होकर के उपासक अब क्या करें, अब क्या क्या हो सकता है, कोई मेरा नहीं, कोई, अरे कोई तो बोले कि मैं सही चल रहा हूं, कोई तो बोले ठीक हो, जिसको देखो वही प्रतिकूलता प्रतिकूलता, क्योंकि सुख में अनुकूलता में संसार का संबंध दृढ़ होता है। इसीलिए कृपालु हरि उसे सुखानुभूति संसार में नहीं होने देते, कहीं संबंध दृढ़ नहीं होते, केवल कृपा ही कृपा दिखाई देती। जब वो ऐसी ऊंचाई पे पहुंचता है, लौट के देखता है कि आहा, ये तो केवल हरि कृपा थी, नहीं एकदम सीधी चढ़ाई और ऊपर से काई, कैसे हम चढ़ सकते थे, ये तो केवल ऐसा हुआ कि आंख खुली और चढ़ गए, प्रयास ही नहीं हुआ, ये तो केवल कृपा ने किया। उस समय वो केवल प्रभु की मधुर मधुर कृपा का अनुभव करके रोता रहता है। जो उपासक कृपा पात्र होता है उसकी दशा इस रूप में पहुंचती है। सच्ची मानना कृपा ही बदलती। एक उपासक परिचय के बढ़िया सुंदर परिवार, अच्छी अर्थ की प्राप्ति की व्यवस्था, और जैसी भक्ति करनी चाहिए वैसी भक्ति कर रहे हैं। अब कृपा उदय हुई, जिनके द्वारा परिवार का पोषण और अर्थ व्यवस्था होती थी भगवान ने उनको अपने पास बुलाया। अब जो भी वो धीरे धीरे सब छूटता चला गया। अब अखंड वृंदावन वासी बैरागी स्वरूप भजन परायण प्रगट में देखने में लगा सब उजड़ गया, लेकिन आंतरिक वृत्ति से देखो तो लगा सब संभल गया। प्रभु ने कृपा करके कैसा संभाला कि अब कोई रास्ता ही नहीं रह गया, एकमात्र प्रभु का रास्ता रह गया, तभी तुम परमानंद में जा सकते हो। जब प्रभु की कृपा ऐसे घेर लेती, दिखाई देता, घेर लिया कृपा ने, अब रोते रहो या चिल्लाते रहो, तुम्हारे रोने चिल्लाने का कोई वहां फर्क नहीं पड़ता। अभी मोह ममता में हो सकता है आपको दुख लगे, लेकिन जब आप उस कृपा का परिचय प्राप्त करेंगे तो मधुर मधुर उनकी कृपा मूर्ति का अनुभव करके केवल रोते रहेंगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, तुम कभी इस मार्ग में निराश मत होना। मैं तुम्हें सच्ची अनुभव की बात बताता हूं, प्रभु जिस पर कृपा करके ऐसी विषम परिस्थिति देते हैं उसके साथ रहते हैं, ये बात पकड़ लो। जब तुम्हें सब छोड़ रहे हो, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आसपास अनुभव करना वो है, क्योंकि वो ऐसे में छोड़ नहीं सकता। जब वो इतना बड़ा कृपा करके हमारे साथ महामहिम कार्य कर रहा है माया मुक्त करने, वो जानता है कि बहुत कमजोर हैं, लड़खड़ा जाएंगे, इसलिए वो साथ रहते हैं, हरि साथ रहते हैं। और वो धीरे धीरे कहते रहते, मैं तुम्हारे पास हूं, डरना मत। संत रूप में, गुरु रूप में, शास्त्र रूप में वो समझाते रहते, डरना मत, मैं तुम्हारे पास हूं। सच सच वो अपनी गोद में ले लेते हैं ऐसे उपासक को, वो अपने अंक में ले लेते हैं। जिसको जगत से निराशा मिली वो हरि की गोद में बैठ जाता है। तो बलिहारी है ना ऐसी निराशा की, ऐसे दुख की। अब हम कभी भूल ना करें, धन की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, जगत में सम्मान की सफलता, इसमें कभी भगवान की कृपा का अनुभव ना करें, ना करें, आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है। महाराज अम्बरीश अपने समस्त वैभव को स्वप्न तुल्य मानते थे, चरित्र में आया है, ठीक है, उसका कोई महत्व तो नहीं होना चाहिए। दीनता, दुख, अभाव, निंदा, असम्मान, ये महामधुर मंगलमय भगवान की कृपा हुई है, इसे आदर पूर्वक स्वीकार करो। फिर ध्यान दीजिए, धन, मान, कीर्ति, जगत की प्रत्येक सफलता, अनुकूलता, इसमें कभी भगवान की कृपा को मत मानो। ये महापुरुषों के वचन है, दूसरे इसमें टिप्पणी कर सकते हैं कि भगवान की कृपा न माने तो इसमें क्या माने,
ये भगवान की कभी कृपा नहीं हो सकती। वो अपने कृपा पात्रों को माया में नहीं फंसाते, इसी का नाम माया है। जब उसकी चित्त वृत्ति भगवदाकार होती तो स्वयं यश फैल जाता है, स्वयं सारे वैभव उसके चरणों में लौटते हैं, पर उसका आदर नहीं करता, अंदर से उसके प्रति मात तो नहीं रहता। ये अंदर की बातें हैं। दीनता, दुख, अभाव, अकीर्ति, निंदा, असम्मान, मधुर मधुर मंगल में भगवान की कृपा हुई है, इसको स्वीकार करो। यह है भगवान की कृपा। अब बोलो हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, अनुभव करो तुम्हारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। जो इस मार्ग में अमुक प्रकार का अगर वास मिल जाता, अमुक अमुक प्रकार की हमारे को सुविधा मिल जाती, अमुक भोजन पद्धति से मिलता, अमुक प्रकार से लोग हमसे मिलते, अन्य अन्य सुविधाएं, तो हम समझे भगवान की कृपा है। ये अज्ञान है, कभी इसे अपने हृदय में आने मत देना। जब कोई आपको आदर से बुलाए, कोई सम्मान करे, तो आपकी दृष्टि में भी वो नहीं आना चाहिए, आंतरिक दृष्टि में। जैसे कोई हमें जिस गली में जाते हो गाली देता हो और हमसे द्वेष मानता हो, तो हम उस गली में भी नहीं जाना चाहेंगे अहंकार होने के कारण। ऐसे भक्त जिस गली में आदर होता हो, माला पहनाया जाता हो, उसकी कीर्ति सम्मान हो, उस गली में नहीं जाना चाहिए। और जिस गली में अपमान होता हो, गाली मिलती हो, हफ्ते में एक दो बार तो उसमें जाना ही चाहिए, जिससे पता चलेगा कि हमारे हृदय की स्थिति क्या है। यह है उलट याप में समा, ये उल्टा मार्ग है। जब आपके हृदय में निंदा करने वाले का और प्रशंसा करने वाले का दोनों के प्रति कोई भगवत भाव की शिवान्य भाव ना हो, तो समझ लेना अब कृपा फलीभूत हो गई है, अब हृदय की स्थिति बन गई। श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी नजफगढ़ के, जब उनके पास गए, पहले से ही जन्म से ही उनकी कृपा रही, पूर्व गृह में जाते रहते थे, तो जब संत वेश में गए, नई अवस्था, बहुत हंसे, कहा बेटा हमें पता था ऐसा ही होगा, पर ध्यान रखना साधुता बहुत कठिन बात है, साधु को कुत्ते जैसा स्वभाव बनाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया साधु स्वभाव और कुत्ते का स्वभाव, तो महाराज जी मेरी समझ में नहीं आया। बहुत ब्रह्म प्राप्त महापुरुष तेजो में एकांत खंडहर गंगा किनारे रहते थे, कोई सुविधा नहीं किसी भी तरह को, एक अल्मोनियम का कटोरा जैसे भिक्षुक लोग रखते हैं ऐसे ही बस रखा रहता, उसी में जो भिक्षा आई पा लिया। बोले बेटा जैसे कोई साधु को आदर से बुलावे कि आओ भिक्षा ले लो, जब वहां पहुंचे और दबका के भगा दे, वो चार कदम चले फिर आदर से आओ, तो बोले उसको सोचना भी नहीं चाहिए कि अभी तो दबकाया था फिर बुला क्यों रहा है। ऐसे अगर दसियों बार बुलाए तो दसियों बार वापस हो जाना चाहिए। जैसे कुत्ता है, आप टुकड़ा डालो और फिर दबका दो, फिर आप पुचकारो फिर आ जाएगा, फिर ऐसा स्वभाव होना। और साधु को मन को ऐसे मारना चाहिए, दो उपदेश उन्होंने उस दिन पहले दिन दिए थे, जैसे बंदर सांप को मारता है, हमने कभी देखा तो था नहीं, तो बेटा वो बड़े भाव में एकदम बच्चों जैसा स्वभाव होता है, जो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष बंदर जैसे सांप को ऐसे पकड़ता है और खूब हंसते ऐसे, वो एकदम ऐसा लगता हंसी की धारा आ रही, आनंद की धारा, लाल चेहरा हो जाता है। बोले वो उसको लेके से पेड़ में ऐसे ऐसे घसता है उसके मुंह को, फिर कान में लगाता है, अगर थोड़ा भी सू हुआ फिर घसता है, मरने पर भी उस घसता रहता है। बोले ऐसे ही उपासक को अपने मन को मारना चाहिए, जरा भी हलचल मन में समझ में आए फिर नाम भगवत चिंतन वाणी ब्रह्म चिंतन इतना रगड़ दो कि मन मर जाए, फिर साधु हो जाता है। मानापमान की भावना का त्याग भगवत कृपा से ही होता है।
जगत में चाहे जितनी प्रतिष्ठा हो ये स्वप्नवत है, कोई बात नहीं। आंख मुंदी चाहे जो कुछ बने रहे हो, अब तुम्हारे कर्म तुम पे लागू होके कहां ले जाएंगे, ये पद प्रतिष्ठा कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। भगवान जब देखते हैं कि हमारे भक्त का बुखार बढ़ रहा है अहंकार का, तो बिना किसी अपराध के वैसा जाल रचते हैं कि उसका अपमान होता है और निंदा होती है। अहेतु की कृपाल है, बस अपने उनकी कृपा को समझ नहीं पाते। वो रचते हैं, आपको लगेगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या मैंने किया, क्या अपराध था, ये सब क्यों बवंडर हो रहा है, गाली दे रहे हैं लोग, निंदा कर रहे हैं, हमने क्या किया, कौन से गलत कार्य कर, कुछ नहीं, ये भड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन हो रहा, चुप शांत थिएटर पे हो, तुम्हारे अहंकार का बुखार कहीं बढ़ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पर उस कृपा सिंधु ने देख लिया, सर्वज्ञ है ना, अब वो बिना किसी कारण के जाल रचेंगे, आपका अपमान होगा, निंदा होगी, और निंदा उसी से करवाएंगे जिससे प्रतिष्ठा होने की संभावना है। निंदा अपमान अकीर्ति तिरस्कार अप्रतिष्ठा बिना दोष के लांछन, जब ये तुम पे बरसने लगे तो समझ लेना प्रभु दूर नहीं नजदीक ही हैं, मिलने वाले हैं। कौन चाहता है भगवत प्राप्ति है? कौन चाहता है, बातें बनाना अलग है, प्रभु जिसको प्यार करते हैं उसको अपने समान बनाते हैं, ये भगवत समान बनाते हैं, इन्हीं में तो हम फंसे हैं, और ये तो सब अहंकार का पोषण करके बार बार जन्म मरण इन्हीं से तो होता रहा है। हम उन कृपालु की कृपालुता को ना समझकर हम समझते हैं भगवान अब हम पर अपनी कृपा हटा ली है, इसीलिए पग पग पर हमें विपत्तियां मिल रही हैं। जब तक किंचिन मात्र भी आदर सम्मान कीर्ति, ये हमारे प्रिय मित्र हैं, ये हमारे प्रिय संबंधी हैं, ये हमारे बंधु बांधव हैं, और ये हमारे कहने पर प्राण भी त्याग सकते हैं, अगर ऐसी किसी के भी प्रति बात हो तो हटा देना, नहीं तो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। बहुत कृपालु हैं प्रभु, तनिक सी कृपा कोर सब तुम्हारे इन मानसिक कल्पनाओं का विनाश कर देगी। डरते रहो इस बात से, किसी को अपना मत कहना, नहीं धोखा हो जाएगा, या तो विवेक से आपके अंदर से अपनापन हटा देंगे, सामने से ही हटा देंगे। अच्छा कहते भगवान ऐसा क्यों करते हैं, उसने क्या लिया था, तो वही तो है उसमें, और कौन है, वो अपने आप को समेट लिए, एको हम बहुश्यामा, बहुश्यामा से एको हम, कोई पाप हुआ, कोई अपराध हुआ, वहां तुम्हें देखने में लग रहा था कि माता है, भाई है, बेटा है, मित्र है, या अमुक, तुम्हें लग रहा था, और वही तो एको हम बहुश्यामा, वही तो बने हुए थे, अपने में समेट लिया, अब तू नहीं समझ पा रहा है कि मैं इन सब रूपों में, तो देख ये सब रूप मेरे ही, समेट लिया, अब केवल हरिशरणम। अब जब लोग कहें कि अच्छा चलो भक्त के साथ से, लेकिन सामने वाले ने क्या किया था, तो सामने वाला प्रभु ही तो था, वो नहीं जान पा रहा है, इसलिए जनाने के लिए उसको अपने में लीन कर लिया, क्योंकि वही बने हुए थे, अब एक ही रह गए हरि, अब चल। अपने हृदय में हमें कोई बुलाए, हमें कोई प्यार करे, हमें कोई सम्मान करे, हमारी प्रशंसा हो, उपासक को ऐसी आशाओं का त्याग कर देना चाहिए। जब ऐसी आशाओं का त्याग होता है तभी भक्ति से बुद्धि भगवत युक्त मानी जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य, उसकी बुद्धि प्रभु में युक्त नहीं हुई है। चायुक्तस्य भावना, अब जिसकी प्रभु में बुद्धि युक्त नहीं है उसके हृदय में ये भावना ही नहीं आ सकती कि मुझे केवल कर्तव्य कर्म करना है, बस मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, उपासक हूं, मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। अगर बुद्धि प्रभु में स्थित नहीं है, भोगों में स्थित है, तो ये निश्चय ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, सब देखने को मिलता है। मन और इंद्रियों का संयम करना उपासक का मुख्य कर्तव्य होता है, और यह होता है भजन से। भजन से विवेक पूर्ण बुद्धि मन और इंद्रियों को गलत मार्ग में जाने से रोकती है।
जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है वो असंयमी पुरुष कभी मेरी प्राप्ति की भावना ही नहीं कर सकता। नास्ति बुद्धि रेयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना नहीं कर सकता। मन और इंद्रियां हलचल मचाए हुए हैं भोगों के लिए, मान सम्मान के लिए, जैसा भी आपने सुना। वो कभी मान चाहता है, कभी सुख चाहता है, कभी आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। भीतर ही भीतर उसके सब खलबलियां मचती रहती कामनाओं की, इसलिए वो निश्चय ही नहीं कर पाते कि मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रियालाल चाहिए। और जिसकी बुद्धि प्रभु में नहीं लगी, अर्थात मेरे को केवल कर्तव्य पालन करना है, भगवत प्राप्ति तो गुरु कृपा से होगी, मैं एक भी अक्षर उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, कुछ मिले ना मिले, इसे कहते हैं युक्त बुद्धि। तो नचायुक्तस्य भावना, जब कर्तव्य पालन की तुम्हारे अंदर बात ही नहीं आई तो कामना आसक्ति नाना प्रकार की भोग वासनाएं ये अंदर बनी तो रहेंगी, और जब तक इनका त्याग नहीं होगा तब तक भावना ही नहीं बनेगी कि हम प्रियालाल को कैसे रिझाएं, प्रियालाल को कैसे प्राप्त करें। भावोत्सवेन भजतामृष कामधेनु, जब तक बुद्धि युक्त नहीं हुई तो भावना ही नहीं बनेगी। न चाभावयतः शांति, जब तुम्हारी भावना ही नहीं बनी है तो तुम्हें शांति कैसे प्राप्त हो सकती, विश्राम कैसे मिल सकता है। वो अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है हृदय वो दिव्य सुख का अनुभव कैसे कर सकता है। ये अहंकार का पोषण करने का स्वभाव उपासक छोड़ दे। कई उपासक जिसे बताते हम नित्य लीला में प्रवेश, हम बार बार इसलिए कह रहे कि वास्तविक नित्य लीला में प्रवेश कराना हमारे आचार्य हमारे गुरुजनों का प्रयास है। जो रसरीति सबंते दूरी, शोषप विश्व रही भरपूरी, मूर्ष जीवन कह दई, वो नाटक करने के लिए तुम्हें आदेश नहीं करते, तुम्हें वास्तविक लीला में प्रवेश कराना चाहते हैं आचार्य महापुरुष जन। आप उनकी आज्ञा के अनुसार चलिए। चार लोग बेचारे अज्ञानी हो जान लेंगे कि आप नित्य लीला में प्रवेश कर रहे हो, कर चुके हो, प्रणाम करें नमस्कार, उसे होगा क्या, और प्रवेश तुम किए हो इंद्रियों के भोगों में। अरे उस सर्वज्ञ पर प्रभु की दृष्टि से कोई बच थोड़ी सकता है। ये नाटक क्यों, किसके रिझाने के लिए ये दंभ पाखंड क्यों, केवल उदर पोषण और कुछ आवश्यकताएं। यह तो बढ़िया है भैया, बाबागिरी का भेष उतार दो और लेबरी करो, 400-500 रुपया एक दिन में कमाओ और मनमानी सामग्री लो फिर चलो, और उसमें भी गाय और पशु पक्षियों का कुछ भाग निकाल दो और नाम जप करो तो बढ़िया तुम्हारी सदगति हो जाएगी। संत बन के भगवत मार्ग के पथिक होकर उपासक होकर इस बात से अपने को पुजवाना कि मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, मैं नित्य लीला में प्रवेश कर, खिलवाड़ समझा नित्य लीला में प्रवेश होना। अरे रोते रहे बड़े बड़े महापुरुष लाडली जू से, कभी तो कृपा कोर करो। जो अब आप देखो भोरी सखी सेवा कुंज में जो बंदर भी नहीं खाते थे चने, उन ठुड्डियों को बिन करके एक मुठ्ठी यमुना किनारे, कितनी जितेंद्रियता है, कितना संयम है, किसी से कोई, वो रोते थे श्री जी के लिए। पूरा जो भोरी सखी के पद हैं आप पढ़ के देखो उनमें कैसा उनका प्रेम बरस रहा है पदों में। अगर हम वास्तविक नित्य लीला में प्रवेश होना चाहते हैं तो हमें अपने मन और अपने इंद्रियों को प्रियालाल के उच्छिष्ट में ही संयमित करना होगा, और बुद्धि में निश्चय करना है कि चाहे जितना तुम हमें प्रलोभन दो, चाहे जितना तुम हमें आकर्षित करो, इस जन्म में चूक होने वाली नहीं, इस जन्म में मुझे प्रियालाल चाहिए। किसी के द्वारा दिए हुए सम्मान को कभी स्वीकार मत करना, ये बहुत बड़ा जहर है, साधक इससे भ्रष्ट हो जाता है। कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, हो सके तो तुम उसे प्रणाम करो, उसे स्वीकार मत करो, अंदर कभी स्वीकार मत करो कि मुझे ये जो पैर छुआने में आपको सुख मिलने लगा या आप इसे अच्छा समझते हैं, तो आपसे प्रार्थना है आप सावधान हो जाइए, आपका पतन शुरू हो चुका है। कोई भी हो, अगर जो झुक करके आपको प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं और आप, तो आप समझ लीजिए कि आपने अपना पतन शुरू कर दिया है, आपकी शुक्र।
वो आपको गाली दे तो कोई फर्क नहीं, कोई प्रणाम करे तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर फर्क है अंदर में तो तुम देख लीजिए, शरीर स्वस्थ हो तो अगर तुम्हें कोई पंचांग प्रणाम कर रहा है तो तुमको भी पंचांग प्रणाम करना है, नहीं करना है तो स्वीकार ही नहीं करना है, राधे भी नहीं बोलना, जल्दी तुम्हारी श्रद्धा है प्रणाम, जब आप बोलोगे नहीं तो वो अगर दिखाने के लिए प्रणाम करे बंद कर देगा, अगर वो श्रद्धा से प्रणाम कर रहा है तो जिसको प्रणाम कर रहा है वो देख लेगा, स्वामी को प्रणाम कर रहा है, हम स्वामी के दास, अपने को स्वीकार नहीं करना। प्रणाम, नमस्कार, वंदना, आदर, इस वेश का हो रहा है, वेश आचार्य और गुरुदेव का है, श्री जी का है, मुझे बिल्कुल नहीं कि ये आदमी प्रणाम किया साष्टांग और कैसे, नहीं उससे तो बोलना ही नहीं, बिल्कुल ये नियम, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, समझोगे नहीं तो फिर ये सब प्रवचन चलता रहेगा, तुम सुनते रहोगे और अध्यात्म उन्नति नहीं होगी। यदि भगवत मार्ग में आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो बहुत सावधानी की ये आवश्यकता है कि प्रियालाल के सिवा हमें कोई नजर ना आवे, प्रियालाल के सिवा कुछ अच्छा ना लगे, और ये बीच में आकर के इतना बाधा पहुंचाते हैं सम्मान कीर्ति कि ऐसा लगने लगता है कि जीवन का लाभ तो यही है ना, जब चार लोग हमको संत मान के प्रणाम करते हैं, हमारा यश की बहुत अच्छे महात्मा है, भजन आनंदी है, अंदर लगता है चलो जीवन का कुछ तो मिला, गए गए, माना कुछ मिला लेकिन सब कुछ छूट गया। कभी मत पकड़ना इस बात को, सबको प्रणाम करो, तुम्हें जो प्रणाम कर रहे हैं उसे स्वीकार मत करो, अंदर से स्वीकृति नहीं, बाहर से नहीं, कि कुछ जैसे साधक समझ नहीं पाते तो झिड़कने लगते हैं, ये क्या आचरण छूना प्रणाम, नहीं नहीं उसकी भावना उसकी श्रद्धा है, पर वो जिनको कर रहा है हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे कर रहा है नहीं, मेरी लाडली कर रहा है, वो जाने वो हिसाब करें।